आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हमारा क्या है, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, उसका नाम क्या हमारा दो जोड़ के लगा। हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव स्टैंड्स ऑफ पावर। सबसे पहले हम बात करेंगे दो ध्रुवता के अंत की, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे दो ध्रुव थे कौन से, जो दो पोलर थे हम इसको बोलते हैं ध्रुव को पोलर, ठीक है ना। तो इनमें से किसी दो में से किसी एक का अंत क्या हो गया था, एंड हो गया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था हमारा सबसे पहला पॉइंट, वो था 1939 से लेकर 1945 तक चला, जो कि हम जिसको हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये वही युद्ध है जिसके अंदर दो महाशक्तियां निकल कर आई थी, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। अमेरिका ने किस पर अटैक किया था, जापान पे। जापान के दो शहर थे कौन कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी। इसी पे ऊपर बम गिराने के बाद अमेरिका का क्या हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो समाप्त हो चुका था पूर्ण रूप से। अब आता है दोनों ही महाशक्तियों में जो 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो दो महाशक्तियां आई, उन दोनों के बीच में क्या था, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर, देखा होगा आपने क्लास में जब अगर बच्चे होते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा या मैं फर्स्ट आऊंगा, तो इन दोनों के महा जो सुपर पावर थी उन दोनों में भी ऐसी कुछ कंडीशंस बनी हुई थी कि हमारी बात कौन मानेगा, हम किसके अंदर में, हम दोनों में से सबसे ज्यादा कौन पावरफुल है। तो ऐसा करने के लिए दोनों ने क्या किया, एक वॉर किया। लेकिन इस वॉर के अंदर उन्होंने किसी भी ऐसे वेपन से कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई, बस इन्होंने क्या किया, बस अपने वर्ल्ड का यूज किया और उसी वर्ल्ड से इन्होंने क्या किया, बस ये लड़ाई एक्चुअल में हुई नहीं थी। इस लड़ाई का मतलब ही क्या था, कोल्ड वॉर, जब हम ठंडे होते हम लड़ाई नहीं करते। तो ये हमारी जो लड़ाई चल रही 1945 से लेकर 1991। अब बात आती है 1991 में, अब दोनों सुपर पावर में से एक सुपर पावर क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम बात करें सबसे पहले हम वर्ल्ड के लेवल को लेकर, हमारी चार डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और एक हमारा ईस्ट। जो हमारा वेस्टर्न साइड है वो हमारी क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री, जिसका नाम क्या है, यूएस, अमेरिका के नाम से जानते हैं। और एक हमारा क्या है, ईस्टर्न साइड में हमारी कौन सी है, सोशलिस्ट कंट्री, जिसका नाम क्या है, यूएसएसआर। तो इन दोनों में से ही हम जानेंगे जो हमारी विप्लवी है, दो ध्रुवता का अंत, तो वो क्या है हमारा, दोनों में से किसी एक का अंत हुआ तो वो कौन सी थी, ईस्टर्न वाली साइड, मतलब की पूर्वी ध्रुव वाली, ठीक है ना, ईस्टर्न पोलर सिस्टम, दैट नेम इज यूएसएसआर। तो साम्यवादी का अंत हुआ, किन कारण से हुआ, हम पहले उसके बारे में, यहां तक क्लियर है ना आप सभी को। आगे सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली को हम ये भी बोल सकते हैं यूएसएसआर सिस्टम, क्या है उसकी सिस्टम के बारे में, मतलब वहां का जो सिस्टम था पूरा किस तरीके से था। अगर हम बात करें, अगर सिस्टम की बात बताएंगे, जैसे हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है तो वैसे ही हमारे अंदर क्या क्या विशेषता है, हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो ऐसे ही सोवियत संघ की भी कुछ प्रणाली थी, तो ये काम तो कर सकते थे। इसके अलावा क्या थी जो इसके अंदर स्पेशल थी, तो सबसे पहली बात की जाए जो इसकी प्रणाली के अंदर, उसके अंदर क्या था, इसकी जो कृषि व्यवस्था थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, हम एग्रीकल्चर कहते हैं। इसके अलावा हमारी क्या थी, स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अलावा हमारा शिक्षा का स्तर, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा हमारी और क्या थी, यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, ये यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग लगाए गए थे, क्या कहते थे, बड़े बड़े इस्पात लगाया, ठीक है। इसके अलावा ये स्मॉल से स्मॉल एंड बिग से बिग जितने भी टूल्स होते हैं उसका निर्माण करते, तो बोलते हैं छोटी से छोटी और बड़ी वस्तुओं का निर्माण, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये क्या है, सोवियत प्रणाली का क्या था, स्ट्रक्चर था, मतलब कहने का मतलब जो उसकी सिस्टम थी। तो यहाँ पे एक चीज और थी हमारी, प्रतिवर्ती आय,
इसके अलावा मारा गया था सैन्य, तो हम ये कह सकते हैं इन सभी पॉइंट को देखने के बाद सोवियत की प्रणाली थी वो कैसी थी, बहुत ही अच्छी थी। कैसी थी मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो उसकी जो जीडीपी थी वो किस तरह की थी, इस तरह की, तो इस कंडीशन में थी इसकी जीडीपी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की इतनी अच्छी स्थिति होने के बावजूद भी, जो इसके इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी, जिस देश के अंदर एग्रीकल्चर सिस्टम, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ये सारी चीजें होती है, वो कंट्री क्या होती है, वेल डेवलप होती है, मतलब विकसित होती है एक तरीके से। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़े से आगे के बारे में, एक आता है हमारा सोवियत संघ और मिखाइल गोर्बाचेव, क्लियर है। सोवियत संघ और मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो यहां पे क्या थे, प्रेसिडेंट, क्या थे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, ठीक है ना। और कब बनाए गए थे, 1985, ठीक है। और ये टाइम पीरियड जब ये मैंने आपको बताया कि ये इन दोनों के बीच में जो वॉर चला 1945 से लेकर 1991 तक, तो 1985 यूएसएसआर के लिए बहुत ही क्या था, क्रिटिकल था, मतलब कहने का मतलब वो ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय की उसके अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी। तो राष्ट्रपति जो थे, एक कोई भी अगर नेता हो किसी भी देश का, वो क्या करता है, क्या करते हैं वो अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए वो क्या करते हैं, प्रयास करते हैं ना। सेम उसी ही तरीके से किसने प्रयास किया, मिखाइल गोर्बाचेव ने, इसको सुधारने के लिए यूएसएसआर की। तो सबसे पहले 1985 में ये क्या बने, कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के क्या बने, ये महासचिव, क्या बने, महासचिव, महासचिव जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट बोल दीजिए आप, ठीक है ना। अब कहा जाता है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ की मात्र पार्टी थी जिन्होंने कितने वर्ष तक राज्य किया था, 17 years, 70 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। अब आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंदर जब स्थिति उसकी खराब थी तो वो क्या करना चाहते थे, उसके अंदर दो बदलाव नहीं कराना चाहते, इसके अंदर प्रौद्योगिक और सूचना, मतलब कम्युनिकेशन, मतलब टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के अंदर वो क्या करना चाहते, चेंजेस करना चाहते थे। मतलब कि यहाँ की हम एक तरीके से कहें जो यहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वह अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बहुत ही अच्छी नहीं थी, मतलब बेटर नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो यूएस की जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी यूएसएसआर के कंपेरिजन, क्लियर है। तो इसीलिए मिखाइल गोर्बाचेव इसको सुधारना चाहते थे। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव ने विघटन को यहाँ के अंदर सुधार करने के लिए लोगों की आकांक्षाओं को भी क्या किया, लोगों की आकांक्षा को पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, आर्थिक, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इसके अंदर सुधार किए ताकि अगर ये सुधर जाएगा तो सारी चीजें बेटर हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे उन्होंने क्या किया, गोर्बाचेव सुधार करना चाहते थे परंतु उन्हीं के लोगों ने उनका साथ सपोर्ट दे दिया, ठीक है। हम कहते हैं अब जब लोगों ने क्या किया, उनका सपोर्ट नहीं किया,
तो एक कंडीशन आती है, जितने भी लोग थे वो क्या करने लग गए थे, अब कम्युनिस्ट पार्टी से नाता तोड़ने लग गए थे, ठीक है ना। अब लोगों को इन पर विश्वास बिल्कुल ही नहीं रहा, लोगों ने क्या किया, इनको धीरे धीरे, अब वो टाइम पीरियड आया 1985 के बाद, सोवियत संघ की जो विघटन था और तेजी से बढ़ गया, क्लियर है। दूसरी चीज, इन्होंने पूर्वी यूरोप के देशों को भी क्या किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि जब भी आप देखोगे हमारे इस वाले मैप में यूरोप मान लो, यूरोप के इस वाले साइड में हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न साइड, इस साइड में हम बोलेंगे ईस्टर्न। तो वेस्टर्न साइड में भी आपने देखा था कौन सा था, पश्चिमी यूरोप कौन सा था, अमेरिका। तो यूरोप के पश्चिमी पार्ट को किसने सपोर्ट किया था, यूएस ने, इसीलिए उसका नाम क्या दिया गया था, जो उसने सपोर्ट की थी, हमने क्या बोला था, मार्शल योजना, मार्शल प्लान। और ईस्टर्न को भी सपोर्ट किया सोवियत संघ ने, क्या किया, ईस्टर्न यूरोप को क्या कर दिया, सपोर्ट किया। क्यों? ताकि इधर इसका नियंत्रण में बने रहे, मतलब इसके कंट्रोल में रहे, जितने भी यूरोप के जो देश हैं वो क्या रहे, इसके कंट्रोल में रहे। तो ये मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत प्रयास किया इसको सुधारने के लिए, वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन वो उसमें नाकाम हुए। क्यों? कि वहां के लोगों ने ही उनका साथ नहीं दिया, ठीक है ना। नहीं तो वो किसके तर्ज पे डालना चाहते, वह पश्चिमी देशों की तरह साम्यवादी देश को बनाना चाहते थे, क्लियर है। मतलब वो किसकी तरह बनाना चाहते थे, पूंजीवादी देश, क्लियर हो गया हमारा, दो पॉइंट क्लियर हो गए, सोवियत संघ और मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ का विघटन और मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत प्रणाली, यहां तक क्लियर है। जाओ अब आते हैं, जब मिखाइल गोर्बाचेव आए तो उस समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ी, उन्होंने बहुत बड़ा वादा किया था सुधारने के लिए, उस समय इकाई एक थ्योरी थी, उसका नाम था शॉक थेरेपी, क्या था, शॉक थेरेपी, हम उसके बारे में जानेंगे। क्या हमारा शॉक थेरेपी, अच्छा शॉक थेरेपी थी क्या, तो बोला गया इसके अंदर में शॉक थेरेपी जो थी वो क्या था, आधार पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना, ठीक है ना, मतलब कि पहले उसको नुकसान पहुंचा देना फिर उसके बाद उपचार। शॉक थेरेपी का मतलब क्या था, कि जब यूएसएसआर की कंडीशन जब खराब थी, लिसन, जब यूएसएसआर की कंडीशन क्या थी, वेल डेवलप नहीं थी, डिक्लाइन हो रही थी डे बाय डे, ऑन दैट टाइम मैनी मोर मिनिस्टर्स एंड मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े डिसीजंस लिए, और वो डिसीजंस क्या था, वह चाहते थे कि पूंजीवादी व्यवस्था को वो यूएसएसआर में डालना, मतलब कि पहले यूएसएसआर किस बात सपोर्ट लेता था, साम्यवादी सोशलिस्ट, तो वो चाहते थे कि पूंजीवादी को क्या करना, बढ़ावा देना, और हरेक देश इस चीज को बढ़ावा दे रहा था, क्लियर है। हमारे भारत के अंदर क्या है, ना ही पूंजीवादी है और ना ही साम्यवादी, हमारे भारत में क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी है, कैसी है, मिक्स्ड मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ पे दोनों को ध्यान दिया जाता है, पैसों पर भी और समाज पर, ठीक है ना। तो ये तो बात की गई, अब यहां पर शॉक थेरेपी के अंदर बात की गई कि वो क्या कह जाएगा, सोवियत संघ को किस पर ध्यान दिया जाएगा, पूंजीवादी देशों पर, क्लियर है, ये बात की गई। अब आते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम, क्या था परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट्स, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो शॉक थेरेपी का परिणाम, जब वो चाहते पूंजीवादी की तरफ डालना, इसके बाद हुआ क्या, एक्चुअल में शॉक थेरेपी मतलब किसी को आघात पहुंचा के उपचार करना। अब परिणाम के अंदर ये आता है, जब वहां के जो लोग थे, कहां के, यूएसएसआर के, कहां के,
यूएसएसआर के, यूएसएसआर के लोगों ने क्या किया, यहां पर उनको इसके बारे में पता चल गया, किसको, यूएसएसआर के लोगों को यूएस की व्यवस्था के क्या हुआ, व्यवस्था के विषय में पता चला और उन्हें और क्या लगा, क्योंकि देखो यूएसएसआर के लोगों लोग यूएस की व्यवस्था के विषय में पता चला और उन्हें बहुत दुख लगा, दुख हुआ, क्यों, क्योंकि आज तक यूएसएसआर की जो गवर्नमेंट थी ना कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने हमेशा उनको यह झांसे में रखा था कि हम क्या है सोवियत संघ, वो हम पश्चिमी देशों से क्या है बेटर है, हम क्या है उनसे अच्छे हैं। अब देखो शुरू में भी मैंने आपको बताया था मिखाइल गोर्बाचोव किसके अंदर बदलाव लाना चाहते थे, टेक्नोलॉजी और एक कम्युनिकेशन के अंदर, तो जैसे कम्युनिकेशन आई तो उनको क्या क्या हो गया, उनको न्यूज इकट्ठे करने में आसानी से पता चल गया, तो उन्होंने ये पता लगा लिया भाई अमेरिका के अंदर इतना विकास हो रखा है, आप तो उसको धोखे में नहीं रख सकते ना लोगों को, जैसे उसको पता चला तो उन्होंने क्या किया, इस यूएसएसआर की सरकार को पसंद करने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया, क्लियर है, क्योंकि उनको सच्चाई पता चल गई थी कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमें धोखे में रख रही है, अभी तक हमें धोखे में ही रखकर हमें ये बताया गया कि हम क्या है पूंजीवादी देशों से क्या है बेटर है, क्या है उनसे अच्छे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन कैसी थी, बिल्कुल ही। अब परिणाम क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, रूस की रूबल मुद्रा करेंसी में क्या हुआ, रूबल मुद्रा में कमी आई, गिरावट आई, यहां की मुद्रा है उसको हम कहते हैं रूबल, क्या कहते हैं रूबल करेंसी डाउन हो गई, लोगों को अपने सामान पौने दाम पर बेचने के लिए क्या होना पड़ा, मजबूर, इनके लिए हमने क्या किया, सहमति पत्र भी बनवाया, मतलब एग्रीमेंट साइन करवाया, लेकिन वो एग्रीमेंट किसी बच्चों के काम का नहीं था, वहां के लोगों के काम का नहीं था, तो उन्होंने क्या कहते हैं वो सहमति पत्र क्या कर दिया, बेच दिया, जब इन्होंने सामान बेचा उसको कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है, क्या कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी सेल, ठीक है। अब ये हो गया, अब लोगों ने क्या किया, बिल्कुल भी सरकार को, अब इन्होंने प्रॉमिस किया था किसने, यूएसएसआर की गवर्नमेंट ने, हम आपको कहां तक लेके जाएंगे, आनंद लोक तक, मतलब आपको पूरा ही क्या करेंगे, आपको वो देखा नहीं है कई बार जो बाहर से मिल जाते हैं, वो तू कल चल रहा है, तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर, तू बीएमडब्ल्यू से घूमेगा, ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉमिस इनसे भी कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, इनको वहां तक ले जाने के बजाय क्या पैदल चलने से भी उनको दुश्वार करते, मतलब उनके पास जो जमा पूंजी थी ना वो भी उनकी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, कृषि व्यवस्था नष्ट हो जाने के कारण कहा जाता है 1989 में इसकी जो क्या थी विदेशी मुद्रा थी अंतर्राष्ट्रीय कोष, वो क्या हो गया उसमें गिरावट आई, फिर अब क्या हो गया, लोगों को बाहर से क्या किया जाने लग गया, सामान मंगाया जाने लग गया, फिर इसके बदले में ज्यादा पैसे रहे, यहां तक कोई डाउट, तो ये था हमारा शॉक थेरेपी क्या है, आघात पहुंचा के उपचार करना, ये बोला गया भैया क्या किया जाएगा, सामने वाली इसको किसके दर्ज पर ढाला जाएगा,
पूंजीवादी देश की तरह, ठीक है ना। मतलब ये किस चीज को फॉलो करेंगे, कैपिटलिस्ट को, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट क्यों जरूरी है, देखो आपके पास पैसा रहेगा जरूर आप कुछ कर सकते हो, तो इसीलिए उन्होंने किसी पे डालना शुरू कर दिया इसीलिए। लेकिन बट इसका रिजल्ट क्या आया, इन्होंने सोचा था अच्छे के लिए लेकिन हुआ कुछ अलग ही। यूएसएसआर के लोगों को ऐसा बताया गया था कि हम क्या है, बैठ रहे हैं किससे, यूएस से, लेकिन वह उससे बिल्कुल ही नीचे था। एक एग्जांपल हम ये बता सकते हैं कि यूएस की टेक्नोलॉजी यूएसएसआर से बिल्कुल ही मेल नहीं खाती थी। यूएस की टेक्नोलॉजी बहुत ही वेल डेवलप्ड थी, मतलब उन्नत किस्म की थी, मतलब हाई टेक्नोलॉजी, क्लियर है। उसके बाद रूस की रूबल मुद्रा में कमी आई क्योंकि उसकी करेंसी का क्या हो गई, डाउन हो गई, क्योंकि उसका अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, लोगों को अपने सामान क्या हो गए, मजबूरन बेचने पड़ गए पौने पौने दामों में, जिसको हम कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी सेल, ग्रास सेल कहते हैं। और 1989 से लेकर 1999 में इसकी मुद्रा कोष में कमी आई। तो ये थे शॉक थेरेपी के परिणाम, क्लियर है। अब हम आते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सोवियत संघ का विघटन, डिसइंटीग्रेशन। क्या हमारा डिसइंटीग्रेशन। अब अभी आपने देखा, अभी सबसे पहले हमने बताया था आपको सोवियत का सिस्टम के बारे में, वो वेल डेवलप थी, अच्छी थी, क्योंकि जब वो 1945 में आई थी तो बहुत ही सुपर पावर थी, और अचानक से 1991 में कैसे लुप्त हो गई, इसके रीजन रहे ना, आपने थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लिया और थोड़ा सा मैंने मिखाइल गोर्बाचोव बताया था उसमें भी आपने देखा। तो अब आपने सबसे पहली चीज क्या है, उन्होंने क्या किया, हथियारों की होड़, क्या किया, हथियारों की होड़। उन्होंने अपना सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगाया, हथियारों पे, क्लियर है। दूसरा, पूर्वी यूरोप के देशों पर खर्च, क्यों, ताकि वह देश इसके नियंत्रण में बने रहे, मतलब कंट्रोल में, बताया ना। ईस्टर्न यूरोप को इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप को किसने किया था, अमेरिका ने, तो इसीलिए ईस्टर्न यूरोप को किसने किया, यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने, ताकि वो उसके नियंत्रण में बने रहे। जब इसके पास खुद ही पैसे नहीं थे, उन्होंने उसको सपोर्ट किया, अरे बेवकूफ, तुम्हें खुद करना चाहिए था ना, तुम्हारा डिसइंटीग्रेशन होता ही नहीं, क्लियर है। हमारे हमारा पेट खाली, हम दूसरे को जा रहे हैं, क्या होगा, हम मरेंगे ना। इसके अलावा इसकी कृषि व्यवस्था क्या हो गई, नष्ट हो गई, इसके कारण यहाँ पे अकाल पड़ गया, खाद्य संकट पड़ गई, नष्ट हो गया, कि फूड शॉर्टेज, फूड सप्लाई बंद, बाहर से मंगाना शुरू, अभी हमने यहाँ पे बताया 1999 से 1999। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान पर हमला, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब ये छोटे छोटे देशों पर क्या करने लगे थे, आक्रमण करने लगे थे, मतलब अटैक करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जो इमेज है वो क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसी में, ये दो तीन चीज हो गई हमारी, अफगानिस्तान का हमला। अब आते हैं इन्होंने क्या किया, हथियारों की ओर, लोगों की आकांक्षा को पूरा ना करना, ये लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया, लोगों इनसे दूर बार होने लग गए। तीसरी चीज हमारी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 वर्ष तक क्या किया, राज किया, लेकिन इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया, ठीक है ना। ये चीज हो गया हमारी, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या करती है, सोवियत संघ के विघटन का कारण बनती है, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। कब हुआ, 1991 में, याद है, क्लियर है, कोई डाउट। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है, वो क्या है, सोवियत संघ और भारत के संबंध। सोवियत संघ और भारत के संबंध बहुत ही क्या थे, लाजवाब थे, कहने का मतलब ये कहें बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो क्या है, हमारा भारत भी क्या है, वो पूर्वी ध्रुव में ही पड़ता है, कहां पड़ता है, पूर्वी ध्रुव में, और सोवियत संघ भी कहां पड़ता है, हमारा पूर्वी ध्रुव में। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया,
यूएसएसआर ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया किसको? भारत को। अब हम बात करते हैं भारत और उसके संबंध। तो कहा जाता है 2001 में भारत और सोवियत संघ के बीच कई 20 समझौते हुए, द्विपक्षीय मतलब टू नेशन प्रोग्राम जो है एग्रीमेंट में साइन किया गया। दोनों ही व्यापार करेंगे और कौन कौन से काम करेंगे उसके ऊपर बात की गई। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया? यूएसएसआर और इंडिया के संबंध, अब ये भी कह सकते हैं पूर्व साम्यवादी सोशलिस्ट कंट्रीज रिलेशन विद द इंडिया। ठीक है ना, अगर वो यूएसएसआर ना ले तो सोशलिस्ट दे देगा। क्लियर है? अब दोनों की संबंध कैसे थे? मैत्रिक संबंध थे हमारे। कई ऐसे हमने कितने टन का व्यापार किया उनके साथ, ठीक है ना, यूएसएसआर के साथ। हमारे चार संबंध सबसे ज्यादा माने जाते हैं, कौन से? आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल, एक हमारा क्या था राजनीतिक पॉलिटिकल, उसके बाद हमारा सैन्य, और एक हमारा क्या है सांस्कृतिक। ये चार हमारे सबसे ज्यादा है। ठीक है, आर्थिक के अंदर जो उन्होंने पैसे पैसे से उन्होंने क्या किया सपोर्ट किया, पैसे मिलाई इन सारी जगहों पर, उन्होंने क्या किया सपोर्ट किया। जिस टाइम पे भी सपोर्ट मिलना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पर उन्होंने क्या किया इसको सपोर्ट किया। इसके बाद आता है पॉलिटिकल, 1971 में क्या किया गया, इन्होंने क्या किया इसको पॉलिटिकल सपोर्ट किया किसको? यूएसएसआर ने जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई तो यूएसएसआर ने किसका साथ दिया? भारत का। पाकिस्तान ने किसका साथ, पाकिस्तान का साथ किसने दिया? अमेरिका ने। क्लियर है? सैन्य शासन बोलते हैं भारत के अंदर जितने भी हथियार हैं, भारत के जितने भी लड़ाकू विमान है वो सारे कहां से आते हैं? यूएसएसआर से, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च किया था? हथियारों पे, इसीलिए उनके हथियार बहुत अच्छे थे। अब एक है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक क्या था जिसके अंतर्गत हमने कई जैसे हमारे जो पहनावा ओढ़ावा खान पान कई ऐसी चीजें जिसका प्रचलन यूएसएसआर में भी होता है, और कुछ ऐसी संस्कृति है यूएसएसआर की जो हमारे यहाँ भी अपनाई जाती है। क्लियर है? बोला जाता है अमिताभ बच्चन के गाने और राजकुमार के गाने आज भी कहाँ सुनते हैं? यूएसएसआर में। क्लियर है? और कोई डाउट इसमें?